गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और ये सीबीएसई का टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पहले में ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब सारे सेल्स हमने सीरीज़ में लगा दिए। ये एक सेल है और उसकी रेजिस्टेंस है R1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और इसकी EMF है E1। तो ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल एंड अप टू सो ऑन। अगर मैं ऐसे सेल्स लगाता हूँ तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? ठीक है, इन सब सेल्स को कैसा कैसे जोड़ा जाएगा, रेजिस्टेंस को कैसा जोड़ा जाएगा, वो सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये मेरी इक्विवेलेंट बैटरी आ गई और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई और ये आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ये आर इक्विवेलेंट आ गई, आर इक्विवेलेंट, और ये आ गया मेरे पास ई इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब एक सर्किट है जिसमें हमने काफ़ी सारे सेल्स लगा रखे हैं और उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। अब मेरे को ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। देखिए, जब मैं ऐसे सेल्स एक ही डायरेक्शन में इनके फेसिंग एक ही डायरेक्शन, ये मतलब इनका नेगेटिव नेगेटिव साइड इस तरफ है और पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरफ है, तो इन सबको मैं कैसे जोड़ता हूँ? मेरे पास जो E इक्विवेलेंट आता है वो सिंपली आता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे अप टू EN। ठीक है, तो अगर ये सारे इक्वल हों, इफ़ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 एंड अप टू सो ऑन, और सब E के बराबर हों, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो इक्विवेलेंट आ जाएगी वो आ जाएगी एन टाइम्स ई। ठीक है, और जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है आर इक्विवेलेंट, वो भी सिंपली क्योंकि ये सब सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे RN तक। तो आर इक्विवेलेंट है जो, और अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 इज इक्वल टू R हो जाए तो ये मेरे पास आर इक्विवेलेंट है जो वो n इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब सीरीज में सेल्स लगते हैं तो सिंपली सब सेल्स की EMF जुड़ जाती है और ये जो रेजिस्टेंस है वो भी सिंपली हम ऐड कर देते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब इस पे अगर मैं क्वेश्चन कर एक आपको बताता हूँ, क्वेश्चन है इफ देयर आर N batteries in the series and out of them M are reversed। ठीक है, अगर N बैटरी सीरीज में लगी हुई हैं और उसमें से M बैटरी को रिवर्स कर दिया, ठीक है, then find E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, ये चीज़ हमें चाहिए। तो ये E इक्विवेलेंट जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा N-2M इंटू ई, और जो R इक्विवेलेंट आएगा इसका वो आ जाएगा N इंटू आर। अब ये कैसे आया ये देखिए, एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लीजिए इफ 100 बैटरीज आर इन सीरीज एंड 2 आर रिवर्स्ड, अगर मैंने 2 को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा? ये ऐसे बैटरी है। ठीक है, ऐसे सब बैटरीज हैं, सबकी EMF EE है। ठीक है, और इसमें से हमने 2 बैटरीज को उल्टा लगा दिया, ऐसे चलती गई एक बैटरी, फिर हमने ऐसी लगा दी, ऐसे और ये ऐसे। तो देखिए, ये टोटल 100 थी, 100 में से ये 2 गई, ठीक है, पीछे कितनी बची? 98। अब 98 में से ये जो 2 बैटरीज हैं ये 2 और को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, तो मतलब देखिए, 100 बैटरीज थी, उसमें से सीधी कितनी है? सीधी है 98। जो 2 उल्टी हैं वो 2 सीधी को मार देंगी, ठीक है, उनको कैंसिल आउट कर देंगी, तो मेरे पास क्या बचा? 2 और कम हो जाएंगी तो 96 बैटरीज बचेंगी जो मेरे पास इफ़ेक्टिव होंगी। तो मेरे पास जो E इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा
हंड्रेड माइनस टू टाइम्स, ये जो उल्टी लगाई थी हमने टू इंटू ई, तो मेरे पास आएगा 96e। ठीक है, समझ आया? देखिए मैं फिर बताता हूँ, 100 बैटरीज थी, उसमें से जो सीधा करंट फ्लो करवा रही हैं वो है 98, दो तो उसमें से वैसे ही उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी। जो दो उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हैं वो दो जो सीधी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगी, तो ये दो बैटरीज और इसको इसमें से डेड हो जाएंगी। ठीक है, पूरे में तो 100 बैटरीज में अगर दो उल्टी कर दोगे तो 96 इफेक्टिव बैटरीज बचेंगी आपके पास। और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट वही 100 आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जैसे ये है मेरे पास, ऐसे दूसरा सेल हमने इसको पैरेलल में लगा दिया, तीसरा सेल पैरेलल में लगा दिया ऐसे। ये ऐसे, ये E1, E2, E3, R1, R2, R3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं सपोज। ठीक है, तो देखिए इसमें से I करंट जाएगा और I करंट मान लीजिए वापस आ जाता है, और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो वो मेरे पास बन जाएगा ऐसे। ये सब मिलके किसी तरह मिलेंगी तो इनकी इक्विवेलेंट बैटरी ये आ गई, और R इक्विवेलेंट ये आ गया, और E इक्विवेलेंट ये आ गया। ठीक है, और ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें, ये कैपिटल R। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो कितना है? I इज इक्वल टू V बाई R, तो V कितना है? E इक्विवेलेंट, और R कितना है? R है मेरे पास दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, तो R प्लस R इक्विवेलेंट। तो हमें ये E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसमें इक्वेशंस लिखेंगे, दो इक्वेशन आपको KVL याद होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू KVL, तो हम KVL की इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ से चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव E1, और इसमें मान लीजिए करंट है I1, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, तो नेगेटिव I1 R1, और फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो माइनस IR इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब मैंने इस लूप पे, बाहर वाली लूप पे एक KVL की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मैं अंदर वाली इस लूप पे लिखूंगा, तो आ गया E2 माइनस I2 R2 माइनस IR इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर मैंने इस पे लूप लगाई इस लाइन पे, ये ऐसी तीसरी पे भी लगा सकता हूँ, बट इतने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सही करके लिखते हैं। अगर मैं R से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा E1 अपॉन स्मॉल R1 माइनस I1 और माइनस IR अपॉन स्मॉल R इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली ये E2 अपॉन R2 माइनस I2 इज इक्वल टू I इंटू R अपॉन स्मॉल R इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन। ये सबको मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसी मतलब दूसरी तीसरी जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा समेशन EI अपॉन RI। जैसे E1 E2 E3 जुड़ गए, तो मतलब ये सबको जोड़ दूंगा मैं, जितने भी होंगे I की वैल्यू हम उतनी पुट कर देंगे। जैसे 5 जुड़ रहे हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 ऐसे, और ये I1, I2, I3 वो सब जुड़ के क्या आ जाएगा? वो बन जाएगा I। ठीक है, और माइनस ये I इसमें कॉमन है, और ये आ जाएगा मेरे पास R इसमें कॉमन है, यहाँ पे R1 था, ये R2 था एंड सो ऑन। तो ये IR तो कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय समेशन RI, इसको मैं RI लिख लेता हूँ। ठीक है, सबका सम को हम RI लिखते हैं, और ये जीरो के बराबर है। तो देखिए आगे इसको मैं
यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालता हूँ, तो अगर आप इस यहाँ से आई की वैल्यू निकालोगे तो आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी समेशन ई आई बाय आर आई डिवाइडेड बाय, यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा 1 प्लस आर समेशन 1 अपॉन आर आई, तो ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से 1 बाय आर आई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं 1 बाय समेशन आर आई से ऊपर और 1 बाय आर आई से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, या इसको डिवाइड करते हैं, मतलब मैं इसको ना ऐसे लिखना चाहता हूँ समेशन ई आई अपॉन आर आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बाय समेशन आर आई अपॉन, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो आ गया 1 अपॉन समेशन 1 अपॉन आर आई प्लस आर, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसी को ना, मैंने ये 1 अपॉन आर आई से ये ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, मतलब इस टर्म को भी इससे डिवाइड कर दिया, इसको भी इसी से डिवाइड कर दिया, इसको भी इसी से डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म बन गई मेरे पास। अब ये जो चीज़ है इसको आप कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो जो ई इक्वलेंट आ गया मेरे पास, ई इक्वलेंट वो मेरे पास क्या आया, समेशन ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाय समेशन 1 अपॉन आर आई, और ऐसी जो यहाँ पे है आर इक्वलेंट, तो वो आर इक्वलेंट कितना आ गया, समेशन 1 अपॉन आर आई, 1 अपॉन 1 आर आई, तो ये मेरे पास आ गया। मतलब मैं इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए किया गया है ताकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मतलब ई इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ई इक्वलेंट की आप इसको खुद करना, ठीक है, बिना देखे आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे किया गया। ठीक है, तो मेरे पास आया ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाय समेशन 1 अपॉन आर आई, ऐसे ही मेरे पास आर इक्वलेंट आ गया 1 अपॉन समेशन 1 अपॉन आर आई, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो ये तो मेरे कहीं कहीं ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, और अगर ये सारी ई वन ई टू ई थ्री की वैल्यूज़ बराबर हों, ठीक है, तो क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, अगर ई वन ई टू ई थ्री बराबर हों तो क्या होता है। ठीक है, इफ़ आप इसको आगे लिख लेना, ई वन इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू ई थ्री एंड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू ई है सब, तो मेरे पास ई इक्वलेंट क्या आ जाएगा, ई इक्वलेंट वो आ जाएगा मेरे पास ये एन टाइम्स ई, ठीक है, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री वो एन टाइम्स ई आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय सब आर भी बराबर है। ठीक है, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अप टू आर, वो सब आर बराबर है, तो नीचे आ जाएगा एन आर, और ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एन आर, तो देखिए वो एन आर कट जाएंगे दोनों, तो एन ई रह जाएगा। तो सिंपली अगर हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, मतलब मान लीजिए 50 सेल 5-5 वोल्ट के लगे हुए हैं सारे पैरेलल में, तो आप 15:5 सिंपल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये एन भी कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 बार एन नहीं आएगा, इधर एन आएगा, क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना, ये एक ही समेशन है इस पे, तो समेशन एन इंटू ई अपॉन आर, ये एन और ये एन कट जाएगा, तो आपके पास सिंपल ई आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास 50-50 वोल्ट के 10 सेल लगे हुए हैं या 5 सेल लगे हैं, तो सबको मिला के जो ई इक्वलेंट आएगा वो 50 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो ईएमएफ है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही रहती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा आपको। और जो आर इक्वलेंट है वो हमने देख लिया 1 अपॉन एन अपॉन आर, ठीक है, एन अपॉन आर, तो मेरे पास आएगा आर अपॉन एन, तो ये मेरे पास आर इक्वलेंट और ये मेरे पास ई इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आ जाएगा कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ है बेसिकली, ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं ये दोनों, और ये फॉर्मूला आपको वैसे ही याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे,
मान लीजिए हमारे पास ऐसे ऐसे सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में, और ये चलते चलते मान लीजिए 10 सेल्स हैं, और हर एक की रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये मान लीजिए 10 वोल्ट की हर एक बैटरी है, ठीक है। ऐसे 10 बैटरीज लगी हुई हैं पैरेलल में, तो इनकी और साथ में कोई आर लगा दिया हमने बाहर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो व्हाट इज ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट इसकी 10 ही आ जाएगी सिंपली, और आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास आर बाय एन, आर है 2 और एन है 10, तो ये आ जाएगा 1/10, ऐसे सिंपल, ठीक है। आगे हमारे पास एक होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है, देखिए अगर मान लीजिए सारे सेल्स सीरीज में और पैरेलल दोनों में हैं, जैसे मान लो ये एक सेल है ऐसे, दूसरा सेल ये है, इसकी ये रेजिस्टेंस ये है, इसकी ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड अप टू एन सेल्स, ठीक है, ऐसे ऐसी दूसरी ब्रांच भी है जिसमें ये लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, एंड अप टू सो ऑन, और ऐसे, ठीक है। और इसमें भी एन सेल्स हैं, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, ठीक है, ऐसे ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है, ऐसे एन सेल्स हैं, इसमें भी एन सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे चलते चलते ये एम मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है, ऐसे एम पैरेलल में लगे हुए हैं, ये पूरी एम रोज है, ये ऐसे, ये ऐसे, एंड अप टू सो ऑन, ये एन, ये ऐसे, ठीक है। तो सब कुछ ऐसे बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसा है। तो हर एक ब्रांच में एन सेल्स हैं और ऐसी एम ब्रांचेज हैं, ठीक है। ईच ब्रांच हैज एन सेल्स, एन सेल्स, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज इज इक्वल टू एम, ठीक है। हर एक ब्रांच में एन सेल्स हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं एम। तो इसमें क्या होगा, देखिए इस ब्रांच को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा इनकी एन ई, ठीक है, दूसरे का भी कितना आ जाएगा एन ई, तीसरे का भी एन ई, तो आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट की क्या आ जाएगी, देखिए एन ई एन ई एन ई एन ई सब, तो मतलब पैरेलल में एन ई एन ई एन ई आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा एन ई, सिंपल आर इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं रीड्रॉ करूँगा सर्किट को तो कुछ ऐसा बन जाएगा वो, ऐसे 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 बन गया। तो ये सब इन सब को मिला के बैटरी कितनी होगी एन ई, और ये कितना आ जाएगा एन इंटू आर, और ये एन ई, ये एन आर, एन ई एन आर, ऐसे मिला के हमारे पास एम कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऐसे एम कॉम्बिनेशन है एम। तो आर इक्विवेलेंट तो सबका यही आ गया क्योंकि सब सेम है, तो जो एक में ब्रांच में होता है वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, और जो आर इक्विवेलेंट है वो आर इक्विवेलेंट होता है मेरे पास एन आर अपॉन जितने टोटल ये ब्रांचेज हैं, दैट इज एम। तो आर इक्विवेलेंट आ गया एन आर अपॉन एम, ये आर इक्विवेलेंट इज एन ई, और ये आर इक्विवेलेंट इज एन आर अपॉन एम, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ गई रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो बाकी का हम कल करेंगे, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से ज़रूर पूछिए, अगर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो मेरे को बताइए, मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है, थैंक यू।